सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों अब चल रहे हैं हम लोग माँ चंडी के दर्शन करने। आप सभी जानते हैं हम लोग उत्तराखंड हरिद्वार में आ चुके हैं, तो चलेंगे माँ चंडी के दर्शन करेंगे। और माँ चंडी के दर्शन, हालांकि मानसा देवी के हम लोग जो दर्शन है पैदल यात्रा करके हम लोग गए थे, लेकिन अब माँ चंडी के दर्शन के लिए उतनी ही ऊँचाई है, तो अब हम लोग चलेंगे ट्रॉली लेकर के, यानी जिसको कहते हैं उड़न खटोला, उसको लेकर के चलेंगे। ब्लॉग में बने रहिए और मैं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। मानसा देवी से और भी हमें आगे सीधे चलते जाना है मेन मार्केट में। कहां पर आपको जाना है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। खैर चलते हैं, तो चलते हैं दोस्तों उड़न खटोले की तरफ। पहले हमें कुछ दूर तक चलना रहेगा, फिर उनसे बात करेंगे, फिर वो एक गाड़ी से हमें उड़न खटोले तक भेजेंगे, फिर वो उड़न खटोले पर टिकट कटेगा, फिर हम जाएंगे। उससे लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आपको मैं क्लियर करूँगा। गांधी सेवा आश्रम और भी यहाँ पर बहुत सारे होटल और लॉज और आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, गाइड दे दूँ, तो देखो ऐसा है ना कि इसके आसपास ना बहुत सारे लॉज धर्मशाला मिल जाएंगे रुकने के लिए। सस्ता 300 रुपये से लेकर के 250 रुपये से लेकर के स्टार्ट हो जाते हैं। हमें तो रुकना है ही नहीं, तो हम लोग अभी चले जा रहे हैं वो उड़न खटोला वाले, मतलब उसी व्यवस्था में हम लोग चलेंगे, क्योंकि मानसा देवी चढ़ने के बाद हम लोग के पैर जवाब दे दिए हैं, अब नहीं चढ़ने का मन कर रहा है। और ये मेरा ही नहीं, मेरे पूरे क्रू मेंबर ये भी, और पीछे तन्मय जी को तो देख ही लो, एकदम पीछे हैं, चलने का भी उनका इच्छा नहीं लग रहा है। कोतवाली पड़ेगी भाई, नगर हरिद्वार कोतवाली। तो ये इतनी दूर चलने के बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, मुख्य डाकघर, और इसी के पास यहाँ पे एक चौराहा मिलेगा, यहीं पर है कहीं ऑप्शन। मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में कि किधर जाना है हमें। जूना अखाड़ा चौक। दोस्तों हम लोगों ने ऑटो ले लिया है जूना अखाड़ा चौक से लेकर के माँ चंडी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर उड़न खटोले की व्यवस्था है वहाँ तक के लिए। एक्चुअल में दोस्तों जहाँ जूना अखाड़ा चौक है ना, वहाँ से कोई ऑटो जाने को तैयार नहीं होती, और जो तैयार होती है ना वो 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये पर हेड लेने की बात करती है। लेकिन आपको करना क्या है कि जूना अखाड़े चौक से थोड़ा आगे आ जाना है, और आगे आ करके आप किसी और ऑटो वाले से पूछेंगे ना, तो वो जो है 30 रुपये में भी राजी हो जाते हैं। तो ये यहाँ से 30 रुपये पर हेड लेकर के हमें माँ चंडी के जो मेन उड़न खटोला वाला सिस्टम है वहाँ तक ले जा करके हमें छोड़ देगा। अब उसके बाद आने का सोचा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग चले तो पहले वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे। और देखिए नीचे हरिद्वार में गंगा माँ का फ्लो बह रहा है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह हम लोग ट्रॉली वाली जगह पर आ जाते हैं, और ये है वो ट्रॉली वाली जगह। पेड़ा प्रसाद से लेके जाए आप लोग, जो स्पेशल शुद्ध से तैयार किया जाता है पेड़ा प्रसाद, जो भोग लगाने के पश्चात आपको घर परिवार में बांटने। तो दोस्तों ये है हमारा टिकट उड़न खटोले का, जिसका आप रेट देख सकते हैं, टोटल 880 रुपये हुए हैं, और ये 4 लोगों के हैं, और ये केवल जो है मानसा देवी के ट्रिप का है। तो गाइस हम चंडी माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं, और हमने उड़न खटोले का टिकट कराया 880 रुपये 4 लोगों का, 220 रुपये साधारण। और कितना कितना लग रहा है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। 220 है, 349 है, 349 में आप चंडी माता का मंदिर और मानसा देवी के श्रद्धालु एक लाइन बनाकर प्रवेश द्वार के आगे बढ़े, दोनों जगह जा सकते हैं। 220 रुपये में आप केवल चंडी माता के दर्शन करेंगे, इसके अलावा चाइल्ड का 132 रुपया और कुछ ऐसे करके चार्जेस हैं। तो ऐसा ही है, हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वेटिंग 32 दिया हुआ है, 10 लोग जा चुके हैं वेटिंग में, तो बने रहे। ब्लॉग रेस्टोरेंट बनाया गया है कि भाई वेटिंग आप कर सकते हैं, चेयर लगी है वेटिंग करने के लिए, और वहाँ पे एक अनाउंसमेंट के लिए बैठा है, और वहाँ पे टिकट बन रहा है। टिकट कितना कितना बन रहा है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ लिखा हुआ है कि अपना प्रतीक्षालय प्रवेश में अपना प्रतीक्षा नंबर अवश्य लें, वेटिंग नंबर जरूर लें, टिकट लेने के बाद वेटिंग नंबर लें। अंकल आप कभी बैठे हो ट्रॉली में? अच्छा कितनी बार? कितनी कैपेसिटी होती है एक ट्रॉली में?
कितने लोग बैठे हैं? 24 नंबर, 25, 25 नंबर, 26, 26 नंबर। सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। पर चल रहे हो तो ये तो इस तरह चलाते चलाते ऊपर पहुंचा देगा। पीछे आप दोस्तों वेटिंग नंबर का अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे। आपके टिकट पर वेटिंग नंबर लिखा जाएगा और वेटिंग नंबर जब आप आएगा आपका, तभी जो है आपको जाना होगा। और एक ट्रॉली में चार लोग बैठ सकते हैं, तो भाई हम तीन हैं तो एक लोगों को किसी को एंट्री करना पड़ेगा, तो भाई चौथा आदमी जो अंकल थे वही हमारे साथ रहेंगे। तो चार लोग एक ट्रॉली में बैठ सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। अभी सीढ़ी से चढ़ेंगे, सीढ़ी पे चढ़ने के बाद ऊपर से हमें बैठना होगा। भाई वेटिंग पे वेटिंग, उधर वेटिंग नहीं, यहाँ लाइन में लगा करके वेटिंग हो रही है। जैसे जैसे लोग चले जा रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों किस तरह ट्रॉलियां आ रही हैं, जा रही हैं, इसी को आमतौर पर यहाँ की लोकल लैंग्वेज या फिर कह लीजिए नॉर्मल तरीके से इसको उड़न खटोला कहा जाता है। एक ट्रॉली जा रही है, एक ट्रॉली आ रही है। आप देख सकते हैं ये कैसा कैसे प्रोसेस कर रही है। इसी में हम लोग अभी सफ़र करने वाले हैं। 10 मिनट से लेकर के 12 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से ट्रॉली से। इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा और आपको सीन दिखाएंगे उतनी ऊँचाई से, एक अलग ही इंटरेस्ट आएगा। व्यक्ति ही बैठना है भाई, मैच टू मैच चार आदमी। हाँ जिसकी जान बची हुई है उसकी निकाल दो। शाबाश। तो दोस्तों अभी हम लोग उड़न खटोले पर हैं, पता भले ना लग रहा हो आपको लेकिन आप पता लगेगा। सेल्फी यहाँ आपको सेल्फी की पड़ी है यार, यूट्यूब वीडियो पड़ रहा है। नीचे तो देखो, नीचे देखो, नीचे देख रहे थे हमने, नहीं देख रहे नीचे। अरे बड़ा नीचे के देखो, अभी वहाँ तो गहराई बहुत मिल रही है अभी तो। चार लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, ये सब डेंजर वेंजर लगा रखा है। और हम लोग भाई यार धीरे धीरे और ऊपर होते जा रहे हैं। भाई ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हम लोग ऊपर होते जा रहे हैं। एकदम शांत। हमारे पीछे भी एक आ रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों पीछे भी एक आ रहा है उड़न खटोला। ऊंचाई आप देखो यहाँ से 10 मिनट लग जा रहा है ना जाने में कम से कम। उतरने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, जाके वैष्णो देवी का तो देखो वो तो और बुरा हाल है, वहाँ पे तो पत्थर ऐसे चढ़ा हुआ है। बजरंग बली पे पेड़ के ऊपर पूरा धूप है।
सो फाइनली गाइस पहुंच गए हम लोग स्टेशन पे, मेट्रो हमारी स्टेशन पे लग गई, उतारे जा रहे हैं यात्री। ये क्या मेट्रो तो परेशान हो रही है, थोड़ा हिला है। तो उड़न खटोले कैसे घूम रहे हैं आकर के, इधर बैठाया जाएगा और इधर माँ अंजनी देवी 100 मीटर और 100 मीटर पे माँ चंडी देवी भी हैं। तो ठीक है दोनों जगह चल चलेंगे मस्त। 100 मीटर 1500 से 700 कहाँ लिखा है भाई? हाँ है कि नहीं यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बटन दिख रहे हैं सब हिला के। बहुत ऊंचाई है यार, देखो यार ऐसा है ना कि उड़न खटोले पे डर तो लग रहा था भाई, डर क्योंकि जैसे जैसे ऊपर होता जा रहा था, मतलब नीचे देखने में एक्सट्रीम लेवल पे ऐसा लग रहा था कि हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ऐसा लग रहा था, तो डर तो था लेकिन ठीक था, मजा आया, एक्सपीरियंस अच्छा था। और चंडी मंदिर पहुंच गए हैं, दर्शन करेंगे। और जो वैसे तो चंडी माता का मंदिर और मानसा देवी मंदिर दोनों आमने सामने हैं, लेकिन चंडी माता के मंदिर ऊंचाई पर है काफ़ी, तो ऐसा ही है दोस्तों। अब दर्शन करते हैं चंडी माता के मंदिर का। दोस्तों वीडियो हो रही है लंबी, इसलिए हम करेंगे यहीं पर एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम माँ चंडी माता के दर्शन भी करेंगे और माँ अंजनेय माता का दर्शन करेंगे। यहाँ पर दो मंदिर बहुत फेमस है। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है कि भाई उड़न खटोले का आई थिंक बना होगा अभी तक कि उड़न खटोले का एक्चुअल चार्ज क्या है, वो जब हम उतरेंगे ना तो आपको दिखा देंगे, पूरा बोर्ड ही दिखा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी।